हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मेरे सामने है दोस्तों यहाँ पे है दोस्तों कैनन का LBP 2900 प्रिंटर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि दोस्तों पेपर खींचते ही टाइम में जाम हो जाता है, ठीक है। पेपर खींचता लेकिन जब आपको यहाँ पे फिक्सिंग यूनिट में पेपर निकलता है तो वहाँ पे ये प्रिंट पेपर बिल्कुल जाम हो रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम किस तरह से किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों वीडियो में बने रहना और जितने भी आपका कमेंट्स है, आपका सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्रिंटर। यहाँ पे मैं बिल्कुल वेस्ट पेपर को टेस्ट करने के लिए रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमांड करूँगा, इंस्टॉल कर दिया मैंने, ऑन कर दिया। और ऑन करने के बाद वहाँ पे हमारा लैपटॉप है, वहाँ से जो प्रिंट कमांड किया है ये देखिए, ये देखिए खींच रहा है, ये देखिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ये देखिए। लेकिन यहाँ तक आने के बाद ही यहाँ पे इस तरह से जाम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस तरह से क्यों जाम होता है ये देखिए, और यहाँ तक खींच रहा है, ठीक है। एक यहाँ तक खींच रहा है और दूसरे बिल्कुल ऊपर ला रहा है, ठीक है। फिर दिखाऊंगा मैं, ये देखिए, ये देखिए ऊपर यहाँ तक आता है, ये इस तरह से आता है और इससे ज़्यादा नहीं निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का जो आपका प्रिंटर में पेपर जाम हो जाएगा, तो इसको सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखना होगा दोस्तों यहाँ पे फिक्सिंग यूनिट जो है, फिक्सिंग यूनिट अच्छी तरह से मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ का जो पेपर है, फिक्सिंग पेपर, फ्यूजर पेपर है, वो अच्छी तरह से मूव नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैं फटाफट आप करता हूँ अपना काम। दोस्तों सबसे पहले मैं करूँगा, आप यहाँ पे इस वजह से खोलूँगा,
ये देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका टेबल ट्रांसफर हो रहा है वो अच्छी तरह से ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा फ्यूजर यूनिट में आके यहाँ पे जाम हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं देखूंगा ये फ्यूजर यूनिट को, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये पेपर है ये मूव नहीं हो रहा है, ये देखिए ये मूव नहीं होने के बाद इस तरह का जाम हो जाता है, ठीक है। इसको मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए ये अच्छी तरह से मूव नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल मैं इसको देखिए बिल्कुल ये इस तरह से खराब रखा है, ठीक है। इसको मैं रिप्लेस करूंगा, और यहाँ पे यहाँ लगेगा दोस्तों सिलिकॉन ऑयल और सिलिकॉन पेस्ट, ठीक है। और उतने करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लगेगा हमारा ये है टेफ्लॉन पेपर, ठीक है। इतने होने के बाद दोस्तों यहाँ पे डालूंगा मैं ये वाला पेपर, ठीक है। ये हमारा न्यू पेपर है, ये वाला है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से साफ करूंगा मैंने, और दूसरी बात दोस्तों इसको भी मैं अच्छी तरह से बिल्कुल इसको क्लीन कर दूंगा, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगा, ये देखिए। इतने क्लीन करने के बाद यहाँ पे लगेगा आप हल्का सा लगाऊंगा ये पेस्ट, ये है सिलिकॉन पेस्ट, ये लगने के बाद दोस्तों मैं लगाऊंगा इसके अंदर, इसके अंदर से लगेगा ये वाला ऑयल, ठीक है। यह है सिलिकॉन ऑयल,
दोस्तों इस इतने होने के बाद यहाँ पे फिर से हम डालेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला ब्लैक वाला साइड होता है ना, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा गियर है ये ब्लैक वाला, और इस साइड में होना चाहिए ये ब्लैक वाला, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ये लगाना है, ठीक है। ये इसमें लिखा होता है राइट 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 आर लिखा होता है और लेफ्ट को यह लिखा होता है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, इतने लगाने के बाद आप मैं चेक करूँगा इसको, सीधे इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। इस तरह से मुँह पर ये देखिए दोस्तों, जब मैं ये इसको मूव करूँगी तो ऊपर वाला ये रोलर भी मूव हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले जो ये था वो इस तरह से मूव बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पे पेपर हमारा जाम रहा था, ठीक है। तो दोस्तों आप मैं इसको बिल्कुल इंस्टॉल कर कंप्लीट इसको असेंबल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करूँगा और आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कचरा है थोड़ी थोड़ी,
इसको ज्यादा कर रहा है, एक बार मैं इसको क्लोज से बिल्कुल इसको क्लीन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इतने होने के बाद मैं आप इसको बिल्कुल यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको मिस्टेक हो रहा है, यहाँ देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पे सब कुछ कर दिया, और इतने करने के बाद इसको भी यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। और ये रहा मेरा अर्थिंग, ये देखिए इतने होने के बाद आप मैं करूँगा बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा, ठीक है। और मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया है दोस्तों, और इतने होने के बाद आप मैं करूँगा इसको टेस्ट और दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब होगा टेस्ट, ठीक है।
पहले का मेरा कमान था यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अभी बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए कंप्लीट, बिल्कुल पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे पेपर ख़त्म हो गया और कुछ कमान था मेरे। अब ये देखिए प्रिंट भी अच्छे कर रहा है, ठीक है दोस्तों। जब आपका प्रिंटर इस तरह से जाम हो जाएगा तो उस जाम को हटाने के लिए इतने ही प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और जाम बहुत सारे कारण से होता है, ठीक है, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। पेपर जाम और यहाँ पे जो हमारा पेपर पिकअप रोलर है और उसको बैलेंस में नहीं रखने होने के बाद भी ये पेपर जाम होता है, लेकिन उस कंडीशन में नीचे ही जाम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा था, ऊपर यहाँ पर जो हमारा फिक्सिंग यूनिट है वहाँ पर जाना था, ठीक है। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन करना होगा, ठीक है दोस्तों। और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जितने भी आपका सवाल है मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों।